He's 19 years old, and I'll bring him on stage. Agar is sharam na hai thodi si to. You come in. He's a bit shy, so don't give him a hard time. Well, sir ne mera intro to karwa diya. तो मुझे यहाँ बुलाया गया मेरी जर्नी शेयर करने के लिए. फर्स्ट आई शेयर माई जर्नी, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ माई सेल्फ. आई एम बेसिकली 19 इयर्स ओल्ड बॉय फ्रॉम सरगोधा एंड करंटली आई एम इन लाहौर एंड डूइंग माई एसीसीएस स्टडीज एंड चेजिंग माई बेसिकली माई मेन ड्रीम इज टू बी अ एस्टेब्लिश बिजनेस मैन. आई एम चेजिंग दैट ड्रीम. और जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई, आई रिमेम्बर आई थिंक सो 7 के 8 मंथ्स पहले ही मैंने ये सेमिनार अटेंड किया था. बैक देन मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले थे. वो एग्जाम देने से पहले मुझे अभी भी मेरी पहली पोस्ट याद है कि मेरे एग्जाम होने वाले हैं एंड आई वांट टू सेल ऑन अमेज़न. मैं क्या करूं सर? फुरम जो अभी पहले यहां पे बोल के गए हैं, उन्होंने रिप्लाई किया था आप जब भी लाहौर आए मुझसे मिले. खैर उनसे तो नहीं मिल सका. सेमिनार हुआ, सेमिनार अटेंड वगैरह किया तो घर वापस गया. घर जाके मैंने कहा आई वॉन्ट टू ज्वाइन इनेबलर्स बूट कैंप. तो अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबके साथ भी ये होगा, भी जितने भी जाएंगे कि हम इनेबलर्स का बूट कैंप ले रहे हैं या हम अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल, भाई तू पागल तो नहीं हो गया? अमेजोन पे सेल करोगे यार? इस तरह नहीं होता, ये पागल है ये वो. मुझे भी यही सब हुआ, यानी कि फादर नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिद वगैरह करके आहिस्ता आहिस्ता फादर एग्रीड एंड मैंने इनेबलर्स बूट कैंप ज्वाइन किया. बूट कैंप ज्वाइन करने के बाद अच्छा जो मेरा मेन टर्निंग पॉइंट था वो ये था, मैंने बूट कैंप ज्वाइन करने के बाद लर्निंग नहीं छोड़ी. आई स्टार्टेड टू गो इन द ऑफिस एंड सिट देयर. स्टार्टिंग में मुझे जॉब ये नहीं कि मैंने बूट कैंप लिया, मुझे फॉरन ही हायर कर लिया गया या समथिंग लाइक डैट. मैंने वहां पे गया, वहां जाके काम स्टार्ट किया विदाउट एनी सैलरी एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ दे हायर्ड मी. उसके बाद से अगर मैं कंपेरिजन किया जाए कि 6 महीने पहले मैं क्या था, 6 महीने अब क्या हूं. 6 महीने पहले मुझे नॉलेज नहीं था, अब मेरे पास नॉलेज है. 6 महीने पहले मुझे इन्वेस्टमेंट इश्यूज थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्वेस्टमेंट इश्यूज नहीं है. 6 महीने पहले अगर मैं किसी को, आप भी किसी को अगर कहें कि यार इस तरह है बिजनेस वगैरह ये करना है, नो वन विल एग्री. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं EIC का मेंबर हूँ, इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स वगैरह संभालता हूँ एंड पीपल इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन माई सजेशंस. और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि बहुत एक प्राउड मूवमेंट होता है.